पुष्पा साउथ इंडस्ट्री की पुष्पा मूवी की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देखकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। काफी अरसे के बाद किसी फिल्म के डायलॉग और गाने लोगों की जुबान पर चढ़कर बोल रहे हैं। जो बॉलीवुड इंडस्ट्री कमाल नहीं कर पाई, वह साउथ इंडस्ट्री ने एक बार धमाका करके कमाल कर दिखाया। वैसे भी तो बॉलीवुड इंडस्ट्री साउथ फिल्मों का हिंदी रिमेक ही बनाती आई है, जहां पर उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कहानी बनी बनाई मिल जाती है, जिसकी सफलता की गारंटी उनकी कहानी से ज्यादा होती है। पहले भी तो बॉलीवुड इंडस्ट्री साउथ फिल्मों का कई हिंदी रिमेक बना चुके हैं, जिनमें राउडी राठौर, सिंघम, कबीर और लक्ष्मी जैसी फिल्में हैं। तो अब बात ये आती है कि अल्लू अर्जुन जैसी फिल्म पुष्पा में, जिसमें अल्लू अर्जुन ने एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है, तो क्या पुष्पा फिल्म का भी बॉलीवुड में हिंदी रिमेक बनाया जाएगा? अगर रिमेक बनाया जाएगा तो किस स्टार को लिया जाएगा? कौन सा स्टार अल्लू अर्जुन की तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है? अक्षय कुमार, सलमान खान या शाहरुख खान या फिर कोई भी नहीं? चलो एक दो साल के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री साउथ फिल्म पुष्पा का रिमेक बनाने भी जाती है, तो वह किस सितारे से अल्लू अर्जुन की तरह एक बेहतरीन एक्टिंग करवा पाएगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब समय आ चुका है कि दर्शकों को साउथ फिल्में देखने के लिए बॉलीवुड के हिंदी रिमेक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ओरिजिनल स्टोरी के साथ वे साउथ फिल्म हिंदी डब में देख सकते हैं। इसका उदाहरण आप पुष्पा में तो देख ही चुके हैं। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, अगर पुष्पा की बात करें तो पुष्पा के कहानी, डायलॉग्स और किरदार ने सभी दर्शकों के सिर पर जादू सा कर दिया है। पुष्पा फिल्म बनाने के लिए मेकर्स ने कड़ी मेहनत की है, जिसका फल उन्हें अब जाकर मिला। पुष्पा के लिए मेकर्स ने कई स्टार्स को अप्रोच किया था। उन स्टार्स के मना करने के बाद फिल्म अल्लू अर्जुन, रश्मिका और समांथा की गोद में आई थी। फिल्म बनने के बाद का नतीजा तो हम सब जानते ही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि मेकर्स ने महेश बाबू को अप्रोच किया था, लेकिन महेश बाबू इस फिल्म के ग्रे शेड्स वाले रोल के लिए तैयार नहीं थे। यही कारण था उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। महेश बाबू के फिल्म करने के लिए अपने ही कारण रहे थे। अगर शिरवल्ली के किरदार के बारे में बात करें तो शिरवल्ली का किरदार पहले सामांथा रूथ प्रभु को ऑफर किया हुआ था, लेकिन उन्होंने पर्सनल कारणों से इसे मना कर दिया। इसके बाद ये रोल रश्मिका मंदाना को दिया गया। पुष्पा फिल्म का गाना ओ अंतावा इतना हिट जाएगा किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन पहले मेकर्स ने इस गाने के लिए बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस दिशा पटानी को ऑफर दिया था, लेकिन दिशा पटानी ने इसके लिए इनकार कर दिया। उसके बाद इस गाने में समांथा ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी। शरेश तलपड़े, जिन्होंने हिंदी वर्जन में अल्लू अर्जुन को अपनी आवाज पुष्पा फिल्म में दी है। शरेश तलपड़े बॉलीवुड एक्टर हैं। उनको इतनी पहचान बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं मिली जितनी पहचान उन्हें पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन की हिंदी वर्जन में आवाज देकर मिली। शरेश तलपड़े ने हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में गोलमाल 3, गोलमाल अगेन और ओम शांति ओम और भी अन्य फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी वाही वाही तो अल्लू अर्जुन की वॉइस देने से ही हुई। आपको शरेश तलपड़े की आवाज कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं सर। क्या आप जानते हैं पुष्पा फिल्म में पुष्पा की गर्लफ्रेंड श्रीवल्ली यानी कि रश्मिका मंदाना को आवाज दी है समीता मल्होत्रा ने। जी हाँ, समीता मल्होत्रा वह बाहुबली में देवसेना की आवाज भी बन चुकी हैं। पुष्पा फिल्म में एक और किरदार जिसका स्क्रीन टाइम कम था लेकिन काफी दमदार रहा, वह थे फहद फासिल। फहद फासिल ने फिल्म में विलन भंवर सिंह शेखावत का रोल किया था। उनको आवाज दी थी ईशान खट्टर के फादर यानी कि राजेश खट्टर ने। तो दोस्तों, ये थी पुष्पा फिल्म, जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक सीख दी कि एक फिल्म बनाने की भी कला होती है, रिमेक बनाने से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।